हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ड्रॉप एनिमेशन में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कितने इफेक्ट होते हैं और वो इफेक्ट हम लगाएंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूं और यहां पर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन में ले लेता हूं। ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दिया मैंने, अब यहां पर ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए हमको एनिमेशन लगाना है और इस बार हम वर्ड ऐड का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, इसको हटा देता हूं और यहां पर सबसे पहले तो टेक्स्ट इंसर्ट कराता हूं। अभी हम टेक्स्ट पे ही ये लगा करके देखेंगे। यहां पे आते हैं, ये आ गए हम, ठीक है। और यहां से हम ये जो ए लिखा हुआ है यहां पे टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है तो इस पे क्लिक कर देता हूं। तो अगर क्लिक करते हैं तो यहां पर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको यहां पे जो भी लिखना है वो हम आसानी के साथ लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। साइज भी बढ़ा सकते हैं, यहां से आप साइज चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, ये साइज भी इंक्रीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हैं, फिलहाल कलर यही रहने देते हैं। यहां पर मैं एक नाम लिखता हूं, लाइक हम पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट, तो मैं यहां लिखता हूं POWER पावर, ठीक है। ये POWER और आगे लिखता हूं पॉइंट, तो POINT, तो पावर पॉइंट लिख दिया हमने। अब इसको सिलेक्शन में लेता हूं, इसका कलर चेंज करता हूं। कलर कहां से चेंज होगा, यहां पर होम टैब में रहिए और होम टैब में रहते हुए यहां से आप आ जाइए, जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। लाइक हमने यहां लगा लिया वायलेट कलर, ठीक है। इसको बोल्ड करना है, बी प्रेस कर दीजिए, ये जो बी है यहां पर क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हैं तो ये बोल्ड हो जाएगा, ओके। तो ये सारी चीजें करने के बाद हमें क्या करना है, ये सारी चीजें करने के बाद इस पे एनिमेशन हम यूज करेंगे। और पॉइंट लिखने के बाद अब हम चलते हैं एनिमेशन लगाते हैं। तो यहां एनिमेशन पे आता हूं और यहां से ये जो एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे हमें मिल जाता है मोर एंट्रेंस इफेक्ट, यहां पे क्लिक कर देना है। अब नीचे आप देख सकते हैं तमाम तरह के आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी। अब यहां पर हमें लगाना क्या है, हमें लगाना है यहां पे ड्रॉप एनिमेशन। तो यहां पे आप ड्रॉप सर्च कर लीजिए, इसी में आपको ड्रॉप मिल जाएगा। ये देखिए यहां पे ये ड्रॉप दिख रहा है, बस इस ड्रॉप पे कर देना है क्लिक और यहां से ओके प्रेस कर देना है। तो ये ड्रॉप एनिमेशन इस पे लग गया। लेकिन अब हम चाहते हैं इफेक्ट लगाना, तो इफेक्ट के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, एनिमेशन पेन में जाना पड़ेगा और यहां से राइट क्लिक करके और इफेक्ट ऑप्शन मिल जाता है हमें। तो यहां इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहां पर क्या करना है हमें, ये लिखा हुआ है आफ्टर एनिमेशन डोंट डिम, ठीक है। आप डिम कराना चाहें तो डिम भी करा सकते हैं, फिलहाल अभी इसको ऐसे रखते हैं। और यहां पे दिया हुआ है बाय लेटर, ठीक है। अगर आप बाय वर्ड चाहते हैं तो बाय वर्ड भी करा सकते हैं और ऑल एट वंस चाहते हैं तो ऑल एट वंस भी करा सकते हैं। यही इफेक्ट है। अगर मैं ऑल एट वंस कराता हूं तो होगा क्या, यहां से ओके प्रेस कर देता हूं और ऑल एट वंस कराऊंगा तो एक ही बार में ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहां से पकड़ते हैं और यहां से इसको नीचे लेके आते हैं। अब जब इसको F5 प्रेस करके मैं चलाऊंगा तो ये आप देखेंगे कि जब ये चलेगा एनिमेशन, जब ये चलेगा एनिमेशन, ये देखिए, तो ये डायरेक्टली नीचे तक आएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये ऑल एट वंस ना हो करके बाय वर्ड हो, तो यहां पर फिर मैं जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहां पर इफेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई पड़ ही रहा है, यहां पर जाकर के इस बार मैं कर देता हूं बाय लेटर, ठीक है। तो ये कर दिया बाय लेटर और यहां से अब देखिए बाय लेटर करने पे ये लाइन वाइज ही आएगा, ठीक है। आप चाहते हैं इसकी स्पीड को स्लो करना तो आप स्पीड को भी स्लो कर सकते हैं। यहां पर जाइए फिर इफेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ये इफेक्ट ऑप्शन आपको दिखेगा। अब यहां पे ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है और यहां पर क्या करता हूं मैं टाइमिंग, अब देखिए ये दिया हुआ है ऑन क्लिक, इसको मैं विद प्रीवियस कर देता हूं और ये फास्ट है, ठीक है। ये क्या है, फास्ट है, तो मैं इसको कर देता हूं 2 सेकेंड या 20 सेकेंड, एक्सट्रीमली स्लो कर देंगे तो 20 सेकेंड हो जाएगा, वेरी स्लो स्लो रखता हूं 3 सेकेंड, ठीक है। और इसको रिवाइंड भी करा देते हैं, रिवाइंड यहां पे टिक कर देंगे तो रिवाइंड भी होगा, तो ये ओके कर दिया। अब देखिए ये थोड़ा स्लो आ रहा है और ये इस तरीके से ड्रॉप हो रहा है, नीचे आ रहा है। इसी एनिमेशन को अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में लगाते हैं तो SWISS स्विस मिलेगा आपको, मोर एंट्रेंस इफेक्ट में जाने पर आपको स्विस एनिमेशन मिलेगा, तो आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये एंट्रेंस हमें कैसे लगाना है, ठीक है। अब इसमें एक चेंजिंग और करता हूं, यहां पे जाता हूं, राइट क्लिक करता हूं, इफेक्ट ऑप्शन पे जाता हूं और इस बार क्या करता हूं, इस बार मैं कर देता हूं ये यहां पे दिया हुआ है टाइमिंग और इस बार मैं करता हूं यहां से ये जो वेरी स्लो किया इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं, ठीक है। फास्ट कितना करेंगे, वेरी फास्ट कर देते हैं, 0.5 सेकंड का डिफरेंस रखेंगे। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं बहुत ज्यादा फास्ट ये चल के आ रहा है, ऊपर से नीचे बहुत ज्यादा फास्ट आ रहा है ये। इसी को स्लो करेंगे तो स्लो हो जाएगा ये, यहां से जाकर के, और फिर स्लो भी कर सकते हैं। ये देखिए यहां पे फास्ट करता हूं, पहले वेरी फास्ट था अब फास्ट है, तो फास्ट है तो थोड़ा सा स्पीड धीमा हुआ, लेकिन अभी हमें क्या करना है, फिर स्लो करना है, ठीक है, केवल स्लो करना है। तो यहां पर जाकर के और केवल स्लो करते हैं यहां से, ठीक है। तो ये यहां पे जाएंगे टाइमिंग पे, तो ये टाइमिंग पे जाकर के और यहां पे आएंगे और फिर यहां पे स्लो करते हैं। स्लो देखिए किस तरह से आएगा, स्लो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है।
और जब इसको आप वेरी स्लो कर देंगे तो और भी ज्यादा धीमे आएगा, नीचे की तरफ ये मूव करेगा और भी ज्यादा धीरे धीरे, ठीक है। तो आई होप की ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे करना है। ओके, इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जाता हूं, राइट क्लिक करता हूं और फिर इफेक्ट ऑप्शन पे चलता हूं। अब यहां पर आप साउंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, ये यहां पे जाएंगे तो आप जिस तरह का भी साउंड आप चाहते हो, ब्रिज का साउंड चाहते हो, बॉम्ब का साउंड चाहते हो, जैसा भी आप साउंड चाहते हो, तो यहाँ पे साउंड दिया हुआ है, यहां से आप साउंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। लाइक यहां पे ब्रिज कर देता हूं तो ये देखिए ये साउंड आएगा, तो यहां पे देखिए ब्रिज का साउंड आ रहा है, ठीक है, हल्का सा आपको सुनाई पड़ रहा होगा, ये ब्रिज का साउंड है, ठीक है। और कोई साउंड देना चाहे, चेंज करना चाहे, तो और कोई साउंड भी दे सकते हैं। यहां से इसको सिलेक्शन में लेकर के फिर यहां पर चलता हूं, और ये अगर साउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहां से ब्रिज के बजाय कुछ और कर सकते हैं। लाइक यहां पे देखिए तमाम तरह के साउंड आपको दिखाई पड़ेंगे, ये देखिए ये और भी साउंड आ चुके हैं इसमें। तो यहां पे कोई भी साउंड आप लगा दीजिए, लाइक वोल्टेज टाइपराइटर, टाइपराइटर लगाता हूं तो ये देखिए अब ये टाइपराइटर, ठीक है, टाइप करने जैसी आवाज आपको सुनाई देगी, टाइप जैसे हो रहा है वैसी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। तो कोई भी साउंड लगा सकते हैं, अगर आप कोई साउंड डाउनलोड करके भी रखा है तो उसे भी आप लगा सकते हैं इजिली। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि एनिमेशन इफेक्ट का यूज कैसे करना है, ठीक है।